अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है? सब भाई बहन सब ठीक ठाक? आज हम बनाने जा रहे हैं लैम। ये है लैम का गोश्त जो हमने लाया था बुच्चा से। आज हम इसको बनाएंगे। दाल भात है हमारे पास, हमारे पास दाल है। इसको हम सिर्फ सॉस में बनाएंगे और फिर दाल और राइस के साथ खाएंगे। तो इसको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी। अनियन है, हम इसको अनियन डालेंगे अभी। पहले देखते हैं ये गर्म हो गया कि नहीं। बिस्मिल्लाह, ये गर्म हो गया है, हम इसको डालते हैं अंदर। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो सालन है ये तैयार हो गया है। हम इसमें टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना ही टमाटर डालेंगे इसमें हम, थोड़ा सा। सालन जो है रेडी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपना गोश्त। अपना गोश्त? अपना गोश्त नहीं, लैम का। लैम का गोश्त हमने डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे इसमें, और हम हल्दी मसाला ये कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम सिर्फ सॉस और टमाटर में बना रहे हैं। ये सिर्फ कलर के लिए हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा कलर दे दे। माशाल्लाह यहाँ रंग पे आ गया है, ये इसी कलर का रहेगा। और इसमें हम डाल देंगे अब नमक, जो आप अपना स्वाद अनुसार जो डालना चाहते हो वो डाल दो। इसमें हम डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको आधे घंटे तक पकने देंगे क्योंकि एलएम का गोश्त है, थोड़ा सा सख्त होता है ये। आधे घंटे के बाद हम उसको उतार देंगे। तो माशाल्लाह बाकी काम मैं दिखाता हूँ आपको आगे। ये देखो माशाल्लाह, हमारा जो एलएम करी ये तैयार हो गया है, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ में माशाल्लाह। अब हम इसको राइस के साथ लेंगे और इसको हम खाएंगे। और जिस जिस भाई बहन को खाना हो आ जाओ हमारे साथ, हम मिलजुल कर खाते हैं इस लैम करी को। माशाल्लाह ये हमारा दाल भात रेडी हो गया है, अब हम अपना लैम इसमें निकालेंगे। महक तो अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अपना जो चटनी है ये प्याज का चटनी हमने नब्बू के साथ में बनाया है और मिर्च के साथ में, इसको हम लेंगे और इसको खाएंगे। और आ जाओ भाई बहन जो जो खाना चाहते हैं हमारे साथ, और हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा लंच रेडी हो गया माशाल्लाह।